नमस्कार अमरीजनों, आप देखें बीच पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सीयूटी यूजी का फॉर्म तो भरा जा रहा है, सीयूटी पीजी का फॉर्म कब आएगा? कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सीयूटी पीजी का फॉर्म अब आएगा, अब आएगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे। सो फाइनली मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी बेसिस पे आप अंदाजे लगा पाओगे कि आपका फॉर्म कब आने की उम्मीद हो सकती है। ये फॉर्म का डेट इसलिए भी जाना जरूरी है जिससे कि आप लोग अवेयर हो जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। ध्यान देना कि फॉर्म आते ही फॉर्म मत भरना, मैं हमेशा बोलता हूँ। फॉर्म आने के बाद मैं आपको बताऊंगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने का प्रोसेस, इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि फॉर्म भरने के लगभग आपको 25 से 30 दिन दिए जाएंगे, तो आप लगभग 15-10 दिन के बाद ही फॉर्म भरना शुरू करना। हाँ, अब बात करते हैं कि फॉर्म में देरी क्यों हो रही है। यूजी का फॉर्म आया और उनका लास्ट डेट 12 तारीख को था, एक्सटेंड करके 1 अप्रैल तक कर दिया गया। इट मींस कि यूजी पे काम बहुत तेजी से हो रहा है। इट मींस ये नहीं कि पीजी पे काम नहीं हो रहा है या नहीं होगा। चूंकि बात ये है, इनका जो कंडक्टिंग बॉडी यानी यूजीसी का मैक्सिमम एग्जाम किसके थ्रू होता है? एनटीए के थ्रू होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो अभी इस समय एक एग्जाम करा रही है जो पीजी के बच्चे देते हैं, आपने नाम सुना होगा नेट का, ठीक है। तो नेट का जो है वो डेट अभी चल रहा है, मींस एग्जाम का डेट चल रहा है, डे बाय डे किसी न किसी सब्जेक्ट का पेपर चल रहा है, मैंने रिपोर्टिंग भी करी थी। तो ऐसे में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और यूजी पे काम चल रहा है और नीट भी है, जेईई मेन भी, इन तमाम चीजों की वजह से वो पीजी में थोड़ा सा देरी कर रहा है। और पता भी होना चाहिए कि जनरली पीजी का एग्जाम फॉर्म आना, ये तमाम चीजें यूजी से काफी लेट होता है, लगभग 1 महीना लेट चलता है। इवन यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग कराती है वो भी एक साथ नहीं कराती, यूजी का खत्म कर देगी फिर उसके बाद पीजी स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने इंतजार कराया था इस बार, तो आप लोग टेंशन में मत लो, ठीक है। बस इतना ध्यान दो, पाठशाला देख रहे हो तो आपका हर कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक प्री कॉन्शियस माइंड में मेरी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि आजकल यूजीसी के बहुत सारे डिसीजन जो है वो सडन है, पता नहीं चल रहा है, रातों रात चल रहा है, ओ माय गॉड डेट एक्सटेंड हो गया, अच्छा फॉर्म भी आ गया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका फॉर्म भी बड़ा सडन आ जाएगा प्री कमेंट के बगैर, मतलब कोई बिना कमेंट, बिना किसी ट्विटर पे कुछ मुझे दिखे, बिना किसी वेबसाइट पे कुछ दिखे, बिना किसी इंटरव्यू में कुछ बोले, और ये आपको देखने को मिलेगा क्या हो, अच्छा फॉर्म आ गया। तो बस इतना समझ लो कि आप एक चैनल फॉलो कर रहे हो बीएचयू पाठशाला जो कि सीधे सीधे यूजीसी से पूरे गाइडेंस को फॉलो कर रहा है और आपको इमीडिएटली बताएगा विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। और मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए बताऊंगा क्योंकि फिर मुझे आपको बताना है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि देखो पीजी का फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए जा रहे हो कोर्स वहां पे है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या वो ऑनर्स मांग रहा है, क्या वो 3 ईयर्स का डिग्री मांग रहा है, क्या वो 2 ईयर्स की डिग्री मांग रहा है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ रेगुलर कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा, कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं, फुल टाइम डिग्री, तो ये तमाम चीजें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चूक जाते हैं फॉर्म से भी और एडमिशन से भी। हमारे यहाँ कोर्स रन कर रहा है एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, एमए फिलोसफी, एलएलबी, बीएड ह्यूमैनिटीज, ये कोर्सेज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है और बहुत अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंट भी है। आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर व्हाट्सअप करो, पहले डेमो लो और फिर आप कोर्स पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहे, पीएचयू पाठशाला देखते रहे, बेसिकली पैनिक नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ हर एक अपडेट्स के लिए टाइम टू टाइम पूरे काउंसलिंग में हेल्प करूंगा। तो सो प्लीज पीएचयू पाठशाला देखते रहे, सब्सक्राइब कर ले आज इस चैनल को, अगर पहली बार देख रहे हो तो समझ लो कि आप एक ऐसा चैनल फॉलो करने जा रहे हो जिसके बाद आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हर कुछ मिलेगा, जैसे नोटिफिकेशन जाता है आप बस वीडियो को देखो, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करना आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक एक कमेंट को पिक आउट करता हूं और उस पे वीडियो बनाता हूं। सो पीएचयू पाठशाला देखते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डेमो लेके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हर हर महादेव।